नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मधुबन तहसील से है। आपको बता दें, विज्ञान व कला प्रदर्शनी का आयोजन एमएम पब्लिक स्कूल खीरी कोठा मधुबन मऊ में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अशोक सिंह प्रधानाचार्य उपस्थित, संबोधन हरिमोहन सिंह प्रबंधक व्यवस्थापक व संचालन आदित्य जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। अन्य शिक्षक अजीत यादव, जूही, काजल, मीना, नम्रता, आकांक्षा, निशु, निशा एवं अभिभावक उपस्थित रहे। आप लोगों ने जरा ताली बजाई एक बार। और जो लोग एकदम घर में नहीं पढ़ते हैं, आज से आधा घंटा पढ़ना शुरू करेंगे। बोलिए यस। और जो आधा घंटा पढ़ते थे वो अब से एक घंटा पढ़ेंगे। बोलिए यस। और जो एक घंटा पढ़ते थे वो बहुत बढ़िया। आप लोग से यही उम्मीद है। आप लोग टीचर्स को विदा कर दीजिए। ये सब बताने के लिए जब भी प्रोजेक्ट बच्चे बताया कि मुझे विजिट करें, पहले इसको एक बार खुद देखिए कि ये जो बच्चे करते हैं गलतियाँ सुधार। ये ये क्या चीज़ है बेटे, यहाँ से यहाँ तक एक्स, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? आधी चीज़ को क्या कहेंगे? आधी चीज़ को जो जो लोग किनारे को परिधि क्या चीज है? व्यास है। एक ऋषि हुए हम लोगों के, उनका नाम है वेद व्यास। नाम सुना आपने? नाम नहीं सुना? वेद व्यास। महाभारत किसने लिखी? रामायण किसने लिखी है? महाभारत उन्होंने लिखा है, वेद व्यास ने, है ना। उनका वेद व्यास जानते हैं क्या नाम पर? वेदों की का उन्होंने बंटवारा किया। पहले चारों वेदों की ऋचाएँ एक में, सारे उसके श्लोक एक साथ, तो उन्होंने अलग अलग वर्गों में उसको बांटा, तो बांटने वाले को ही व्यास कहते हैं। समझ गए? कोई लोग ज्ञान बांटते हैं तो वो व्यास जी आते हैं, लोग व्यास पीठ पे बैठते हैं, धर्म की ज्ञान की बातें बांटते हैं, समझाते हैं। और ये व्यास क्या करता है? वृत्त को मारता है। ये वृत्त होगा ना, तो उसको कितने हिस्से में बांटेगा? आधे आधे। ठीक है, आधे आधे, इसलिए इसको व्यास कहते हैं। समझे? व्यास इसलिए इनका नाम है, वेद व्यास जी के नाम से व्यास इसका नाम है। और व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, बढ़िया है। बच्चों को रटवाइए मत आप लोग, बच्चों को समझ दीजिए। भले वो नंबर कम पाता पाने दीजिए, कोई नंबर किसी काम होना होना ये बनाइए, ये रचना नहीं। रटवाइए मत, छोड़ दीजिए। उसमें कितना रखता है, गाजी कितना नाराज होता है कि वो ये नंबर नहीं, वो नहीं सुनाता, उसको नाराज।